प्रदूषण में रहने से हड्डियां कमजोर हो रही हैं। यह दावा पराडा की नई स्टडी के जरिए किया जा रहा है। स्टडी के मुताबिक आप जितना ज्यादा वायु प्रदूषण वाले शहर या इलाके में रहेंगे, आपकी हड्डियां और कमजोर होती चली जाएंगी, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी क्रॉनिक बीमारियां ज्यादा होंगी। हड्डियां इतनी नाजुक हो जाएंगी कि वह हल्के फुल्के चोट से भी टूट सकती हैं। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बढ़ती चली जाती है, आमतौर पर उन महिलाओं को जिनका मेनोपॉज हो चुका है। दरअसल पराडा की स्टडी के मुताबिक पिछले 6 साल में 9,041 महिलाओं का डेटा जमा किया जा रहा था। ये वह महिलाएं थीं जिन्हें मेनोपॉज हो चुका है। इस स्टडी के दौरान वैज्ञानिकों ने इन महिलाओं की हड्डियों में खनिज के घनत्व की स्टडी की, यानी मिनरल्स की डेंसिटी को जांचा गया। वैज्ञानिकों ने इन महिलाओं के घरों के आसपास नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पीएच की जाँच की है। साथ ही इन महिलाओं की रेड ब्लड सेल्स की भी जाँच की गई, यानी उनकी सही सेहत की। वहीं न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बायोमेडिकल साइंटिस्ट डिडियर प्राडा ने कहा है कि किसी भी इंसान की हड्डियों की मजबूती सिर्फ उसके खान पान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह कहाँ रहता है, मौसम कैसा है, प्रदूषण कितना है, इन फैक्टर्स का भी बड़ा योगदान होता है। जिन शहरों में ज्यादा वायु प्रदूषण होता है, वहां पर हड्डियों के टूटने का खतरा ज्यादा होता है। हड्डियों की ताकत दिन प्रतिदिन कम होती चली जाती है। इससे यह पता चलता है कि जिन इलाकों में जहरीली गैसों और प्रदूषण का स्तर ज्यादा था, उन इलाकों के महिलाओं की हड्डियां बेहद कमजोर थी, खास तौर से गला, रीढ़ और कूल्हे की हड्डी। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रही जेबीटी लाइव के साथ। नमस्कार।